सिंगल बेंच ने तो ये कहा था कि इनको कंटिन्यू दिया जाए 17-18 में पैप की रिपोर्ट के बेस पे जो है इनको कहा था, लेकिन चूंकि सरकार ने फिर उसको रिव्यू करके 9800 पे लेके चले आए थे, उसको कुछ लोगों ने चैलेंज किया था रिट पटिशन के रूप में, और सिंगल जज ने कहा कि नहीं आप रिव्यू नहीं कर सकते हैं, और उस ऑर्डर को सेट असाइड किया। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि नहीं 17,000 के रेट से आप कंटिन्यू देंगे आगे। उसके बाद सरकार जो है डीवी में चली गई, और सरकार का कहना था कि हम नहीं दे सकते हैं, फाइनेंशियली हमको सेंटर से नहीं मिला था, तमाम तरह के तर्क थे उनके। उसके बाद जो है डिवीजन बेंच ने उसको सेट असाइड किया, मॉडिफाई किया ऑर्डर को, और कहा यह कि केवल हम 17-18 का ईयर का आपको 17,000 देंगे, उसके बाद का ईयर का सब्सिक्वेंट ईयर का नहीं देंगे। उस ऑर्डर को लेकर के अनुदेशक लोग जो कि एसोसिएशन के रूप में यहाँ आए और इन लोगों ने फाइल किया, और उस एसोसिएशन का मैटर आज लगा था, और उसमें जो है काफ़ी बहस हुई, और इस बात पे पहले तो कोर्ट सेटिस्फाई नहीं था, लेकिन बाद में कोर्ट को लगा कि नहीं ये गलत है, आप जो है 8 घंटे काम करा रहे हैं और 7,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, ये तो जस्टिफाई कहीं से नहीं है। और इसको लेकर फिर कोर्ट ने जो है नोटिस किया है और उस पॉइंट को भी लगाया है, चूँकि जिस पॉइंट पर कोर्ट कन्विंस हुआ था कि ये कैसे हो सकता है कि फुल टाइम किसी से आप काम कराएंगे और उसको 7,000 और इतना कम पेमेंट देंगे, इसको लेकर के नोटिस इशू हुआ है और 4 वीक्स के बाद फिर लगाने के लिए बोला है, और अब देखते हैं सरकार का जब जवाब।